मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी को खुली चुनौती दी है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी मंच से कहे कि मुसलमानों की जातियों की जनगणना करवाएंगे तो हम भी जनगणना के लिए तैयार हैं। नरोत्तम ने आगे कहा कि जिसे अपनी जाति का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात कर रहा है। देखिए पूरी खबर। अपने बयानों से देश प्रदेश की सियासत को गर्माने वाले बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र महाराष्ट्र चुनाव में अपने बयानों से सनसनी फैला रहे हैं। गोंदिया के अर्जुनी मोरगांव में भाजपा प्रत्याशी राजकुमार बडोले के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे नरोत्तम मिश्रा ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर जमकर बयानों के तीर चलाए। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इंडी गठबंधन और महाविकास अघाड़ी गठबंधन अपने अपने बच्चे बचाने का गठबंधन है। आजकल सिल्ले जी के पास है, मतलब शरद पवार अपनी घड़ी नहीं बचा पाए, उद्धव ठाकरे अपना धनुष बाण नहीं बचा पाए और दोनों मिलके अपनी सरकार नहीं बचा पाए, वो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। कितने अचंभे की बात है, जो बनी बनाई नहीं चला पाए वो आगे बनाने की बात कर रहे हैं। कहावत है ना कि बात करते हैं अब कतरे भी समंदर की तरह, पर लोग ईमान बदलते हैं कैलेंडर की तरह। एक बात और ध्यान आ रही है, ये महाअघाड़ी और महायुति, आखिर महाअघाड़ी में शरद पवार जी का परिवार क्यों टूट गया? शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी की पार्टी क्यों टूट गई? और यही ऊपर है, यही महागाड़ी के लोग ईडी गठबंधन में है दिल्ली में। अब आप देखिए, ये इसलिए टूट गई कि शरद पवार जी अपनी बेटी सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाना चाहते थे, अजीत पवार जी को दबाना चाहते थे योग्यता होने के बाद। यही स्थिति थी उद्धव ठाकरे की, वो अपने बेटे आदित्य ठाकरे को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे शिंदे जी जैसे योग्य व्यक्ति को दबाने के बाद। ये सिर्फ और सिर्फ जब ताकत में आते अपने परिवार को बढ़ाते हैं। और अकेला ये महागाड़ी की बात नहीं है, इनका जो ईडी गठबंधन है आप पूछे चले जाओ। इतना ही नहीं, नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पाकिस्तान की ताकत हिंदुस्तान के मुगल है, हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान की ताकत है, हिंदुस्तान के मुसलमानों की ताकत इंडी गठबंधन है और इंडी गठबंधन की ताकत जयचंद टाइप के जातियों में बटे कुछ हिंदू हैं। इन हिंदुओं को ही हिंदुओं से ही सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए योगी ने कहा बटोगे तो कटोगे। अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, फारूक अब्दुल्ला ने अपने बेटे उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बना दिया। अब ये शेख अब्दुल्ला के हटेंगे तो फारूक अब्दुल्ला बनेंगे और फारूक अब्दुल्ला बने हटेंगे तो उमर अब्दुल्ला बनेंगे और उमर अब्दुल्ला हटेंगे तो उनके बच्चे तैयार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह हटेंगे तो अखिलेश बनेंगे, अखिलेश हटेंगे तो डिंपल बनेंगी और डिंपल हटेंगे तो उनकी सिंपल तैयार हो रहे हैं। बिहार में लालू यादव हटेंगे तो रावड़ी देवी बनेंगी, रावड़ी देवी हटेंगी तो तेज प्रताप बनेंगे और तेज प्रताप के बाद में उनके अताप प्रताप तैयार हो रहे हैं। ये पार्टियां नहीं है, ये परिवार है। ये जो ईडी गठबंधन है, ये महागाड़ी गठबंधन है, ये बच्चा बचाओ गठबंधन है, अपने अपने बच्चों को बचाने का गठबंधन। अगर यहां पर शरद पवार की पार्टी ज्यादा सीटें ले आएगी तो सुप्रिया सुले मुख्यमंत्री बनेंगे, वो उनको अपने बेटे की चिंता है, बेटी की चिंता है। उद्धव ठाकरे जी की पार्टी ज्यादा सीटें ले आएगी तो आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको अपने बेटे की चिंता है। कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीटें ले आएगी
तो राहुल गांधी उनके स्थापित हो जाएंगे तो सोनिया गांधी को अपने बेटे की चिंता है और मोदी जी को आप सबके बेटों की चिंता है, पूरे देश की चिंता है। ये चुनाव इसी आधार पर है मित्र। इतना ही नहीं, नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसी मस्जिद की खुदाई करो तो मंदिर निकलता है, कांग्रेस की खुदाई करो तो मुगल निकलते हैं। ये मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर संगठित रखना चाहते हैं, हिंदुओं को जातिवाद की जनगणना करके बांट कर रखना चाहते हैं। नरोत्तम ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि जिसको अपनी जात का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात कर रहा है। राहुल गांधी को नरोत्तम ने चुनौती देते हुए कहा कि हम तैयार हैं जातिगत जनगणना के लिए। राहुल गांधी मंच से कहे कि हम मुसलमानों की भी जातिगत जनगणना कराएंगे। हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान की ताकत और हिंदुस्तान के मुसलमानों की ताकत ये ईडी गठबंधन और ये ईडी गठबंधन की ताकत जातियों में बटे हुए कुछ जयचंद टाइप के हिंदू हैं जो जातियों में बटे हैं और इन हिंदुओं को ही हिंदुओं से सबसे बड़ा खतरा है और इसलिए योगी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। यह स्थिति है आज देश की, स्थिति बड़ी विचित्र है। आप किसी भी मंदिर की खुदाई करो, किसी भी मस्जिद की खुदाई करो, उसके अंदर से मंदिर निकलता है। किसी भी मस्जिद की खुदाई करो उसमें मंदिर निकलता है। और अगर किसी भी कांग्रेस पार्टी की खुदाई चालू कर दो किसी भी प्रदेश में तो उसके अंदर से घोटाला निकल के आ जाता है। और कांग्रेस पार्टी के घोटालों की खुदाई करो तो कांग्रेस निकल के आ जाती है और कांग्रेस की खुदाई करो तो मुगल निकल के आ जाते हैं। ये देश की स्थिति कांग्रेस ने बनाई। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस है। अभी ट्रेन की हाल चालू हुई, रेल की पटरियों पर गाटर मिले, सिलेंडर मिले। आपने सुना कोई ईडी गठबंधन का नेता या कांग्रेस पार्टी के राहुल ने निंदा की हो? कभी नहीं करते ये निंदा, क्योंकि ये मुसलमानों को भाजपा का डर दिखा के संगठित रखना चाहते हैं और हिंदुओं को जातिवाद की जातिगत जनगणना करके बांट के रखना चाहते हैं। आप इतनी बड़ी संख्या में बैठे हो, जरा बताओ कि राहुल गांधी की क्या जाति है? कोई बता सकता है राहुल गांधी की जात? राहुल गांधी की जात कोई नहीं बता सकता। जिसकी जात को पता नहीं है वो जातिगत जनगणना की बात कर रहा है, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी? आप कल्पना करो कि वो भी बात जातिगत जनगणना की बात कर रहा है तो हिंदुओं की कर रहा है। अरे मुसलमान में भी तो 45 फिरके हैं, 45 जातियां हैं। हम तैयार हैं जातिगत जनगणना को। तुम कहो मंच से राहुल गांधी कि हम मुसलमानों की भी जातिगत जनगणना कराएंगे, ये नहीं कह सकते मित्र। कुल मिलाकर नरोत्तम मिश्रा ने अपने तूफानी अंदाज और बेबाक बयानों से महाराष्ट्र चुनाव की सियासत को गर्मा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, महाराष्ट्र।